मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बहुत गरीब पैदा किया। आज हमारे घर में एक छोटी सी पूजा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी और पकवान बन रहा है, पूजा की तैयारी फुल जोरों शोरों से चल रही है। मम्मी जी हमारी यहाँ पे पूरी छान ली शुद्ध देसी गाय के घी में। यहाँ पे पूरी बन रहा है गोल 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 गोल, मम्मी जी छान रही है। इसके बाद ये लोग लेडीज लोग सब लोग जाएंगे तैयार होने, तैयार होके फिर पूजा के लिए मंदिर पे निकल जाएंगे ना, मंदिर पे ही जाएंगे ना। मंदिर तो बंद है लेकिन वहाँ पे देखें ना मम्मी, मंदिर बंद है ना लेकिन, तो अभी उधर जाने के बाद देखेंगे मंदिर खुला है कि नहीं, नहीं तो वहीं बाहर पूजा करेंगे ना, घर में पूजा करेंगे। एक जन पहले जाके देख के आएंगे ना। हाँ रोहन को बोल देता हूँ, देख के आ उधर पूजा हो रहा है कि नहीं। तुम लोग तब तक ये कितना टाइम जाएगा पूरी बनाने, फिर कभी तैयार हो गए तुम लोग? आधा घंटा लगेगा। तो अभी रोहन महाराज जा रहे हैं हमारे वहाँ मंदिर पे, देख के आएंगे कोई पूजा कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा होगा तो मम्मी भी जाएगी वहीं पूजा करने, अगर नहीं कर रहा होगा कोई तो मम्मी यहीं घर में पूजा करेगी। देखो ये लड़का इतना मोटा ताजा हो के इससे एक सोफा नहीं खुल रहा है, क्या जिम करेगा तू भैया? अभी एक काम दिए, ये सोफे में से बोला है बेड पोस्ट निकालने को, अभी बेड पोस्ट ढूंढो इसमें किधर है। थाली पोस्ट, हां बेड पोस्ट नहीं सॉरी थाली पोस्ट, वो थाली के ऊपर लगा के फिर ऐसे लेके जाएंगे। इसमें कहां है, दिखा रहे हैं मम्मी किधर है इसमें? अरे सोनारा का झोला उन्हीं है, सोनार के झोले में सोना होना भी इसी में रखिए क्या? सोना बन गया होगा रे मम्मी लगता है। वीडियो बाद में ले, ढूंढ पहले किधर है। नहीं तो सबका वीडियो लेता, आज मैं तेरा वीडियो लेगी। अब ये सोनार का ये मिला। इसको कुछ खुद से नहीं मिलता, इसको चार लोग चाहिए रहते, खास करके बुलबुल सोना का बैग ढूंढ रही है। सोना का बैग, चांदी का बैग मैंने ढूंढा। बैग तो वैसे प्रेमचंद ज्वेलर्स का है। ये तो तोरण है यार, तोरण और थाली पोस्ट में फर्क समझते हैं। थाली पोस्ट को बेड पोस्ट बोल रहा है, मेरे को बोल रहे थाली और उसमें फर्क नहीं समझता। मम्मी लपसी बना रही है। मम्मी लपसी बना रही है, अभी पूड़ी बन गया, अभी लपसी बना रही है। ये वाला ना मम्मी? हाँ वही वाला, तोरण है, एक ही है ना? एक ही है। चलो एक ही है थाली के ऊपर, दिखाओ यार वीडियो में, दिखा दो। दिखा दो नगद का, भैया दिखाएगा, दो हम दिखाएंगे। हाँ ये है अपना थाली पोस, ये थाली पोस ऐसे थाली के ऊपर इसको हम ऐसे रखते है, इसमें अगर मुंडी भी डाल के रखे ना। हाँ तो सर पे मत लगाना, उसको प्रसाद के ऊपर रखेंगे। अभी सर के ऊपर नहीं लगाएंगे ना, तो देखो इसको ऐसे रखेंगे, लो इसको रख दो, चलो दो काम भारी हो गया। अब इसको चौपट के रखेगा कौन? एक काम करते हैं, दो काम बढ़ा देते हैं। बताओ अभी चौपट तुम है और तुम है। हाँ। अपना काम बनता बाहर जनता। पूजा का मेन प्रसाद यही होता है, ये गेहूं के आटे का हलवा बन रहा है, हमारी माता जी बना रही है, बुलबुल जी शक्कर काट के लेके आगे पीछे डोल रही है। अब ये सारा बन के फिर कल सुबह हम लोगों को प्रसाद मिलेगा, आज सब कुछ भगवान जी पर करेंगे। और ये बहुत मस्त, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया, एकदम एकदम गम 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 जैसे घी का सुगंध इतना बढ़िया आ रहा है ना, पूछो मत। घी किधर गया रे वो डब्बा? देखो ये घी का डब्बा है। तो ये घी का, घी लेने के लिए गुजरात गए थे, ये घी हम गुजरात से लाए हैं। बताओ ये घी है, ये घी है, घी है जो ये घी गुजरात से आया, शुद्ध काऊ का देसी घी है। दोनों दोनों 580 रुपए का आधा लीटर। अब चूड़ी पहन रही है दुल्हन, देखो उधर रेडी हो रही है बुलबुल जी हमारी, जी रेडी हो रही है, मेकअप पाउडर लगा रही है, बेस्लिन लगेगा फिर उसके बाद चूड़ी चढ़ेगा। तो यहाँ पे लोग अभी तैयार हो गए, रोहन बाहर मंदिर में देख के आए, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे पूजा हो रही है। तो मम्मी और दुल्हन और मैं हम लोग जाएंगे वहाँ मंदिर पे, वहाँ पूजा पाठ करके फिर कुछ आधा एक घंटा लगेगा, एक घंटे बाद हम वापस आ जाएंगे अपने घर पे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रसाद में क्या क्या है और कैसे कैसे है, फिर मम्मी से बात करेंगे, क्योंकि अभी मम्मी जा रही है पूजा करने तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। क्यों लगाते पैर में सुहाग? सुहाग 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 जिसकी शादी हुई लोग लगाते हैं, सुहागिन के निशानी लगाए, पूजा पाठ ना करते। अच्छा बहुत स्टाइल वाला, पहले तो ये उंगली से लगाते थे, अब ये ब्रश जैसा आ गया है। अरे तब सरकार बहुत व्यवस्था की है सरकार फुल व्यवस्था की है मेकअप में क्रीम
बरसेस लागत है घोड़े बुकनी बरसेस लागत स्टाइल में फैशन में जैसा रहेगा वैसा ना। अभी दुल्हन के पैर में लग रहा है क्या बोलते रे मुंशा इसको रंगना अल्ता अल्ता रंगना रंगना अल्ता नहीं रंगना बोलते हैं अल्ता नहीं इसको अल्ता बोलते हैं अल्ता नेल पेंट होता है तू पागल है ये रंगना अल्ता नेल पेंट को ही अल्ता बोलते हैं। देखो दुल्हन रेडी हो गई है फुल एकदम कचका अरे लरी कहाँ है ब्रश अल्ता ब्रश अल्ता हाँ ब्रश अल्ता लिखा है चलो ठीक। अब हम यहाँ मंदिर पहुँच चुके हैं और सारी महिलाएं यहाँ पे अंदर पूजा पाठ कर रही हैं। क्या है अभी थोड़े टाइम में उधर वो पढ़ लेंगे ना पंडित। पहले यहाँ पे बहुत गर्दी हुआ करती थी अभी कोरोना है इसलिए पंडित जी हैं वो चार चार लोग को ही खाली अंदर छोड़ रहे हैं और दूरी का ध्यान रखने के लिए कहा गया है और बोला है कि 10-15 मिनट आप पूजा करके आप उसके बाद जा सकते हैं यहाँ से। तो फाइनली हम लोग अभी घर पे पहुंच गए हैं। घर पे पहुंच के यहाँ थोड़ा आराम हो रहा है प्रसाद को यहाँ साइड में रख दिया गया है। ये सारे प्रसाद आए थे दिया जल रहा है यहाँ पे चना चावल वाला प्रसाद भी है सेब अनार फल फ्रूट है पूड़ी लपसी भी है कढ़ाई में पूड़ी लपसी है ना और मिठाई भी है। ये सब अब प्रसाद भगवान को चढ़ के आ तो गया है यहाँ पे थैली में एक साड़ी भी है लेकिन ये मिलेगा नहीं आज हमको। तो ये जो प्रसाद है जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो मम्मी चढ़ा के आ जाती थी घर पे तो हम लोग को लगता था मम्मी ने तो पूजा कर लिया हम लोग को खाने को मिलेगा जो भी लपसी पूड़ी है प्रसाद है। लेकिन एक बार घर पे आने के बाद मम्मी का डंडा उठता था और मम्मी बोलती थी अगर इस प्रसाद को हाथ लगाया अभी तो हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी ना क्योंकि बोलती थी ये प्रसाद अभी नहीं सुबह मिलेगा सब। किसकी तारीफ कर रहे हैं मम्मी की कब से जब से मम्मी गई है पूजा करने तब से पापा मम्मी की तारीफ कर रहे हैं। अब नहीं करेंगे ना ये उससे पूछो क्या तारीफ किया बता क्या तारीफ किया बता अब पापा बताएंगे मम्मी आई है तो मैं कैसे बताऊंगी तू बता तू सुनी ना पापा नहीं बता रहे पापा शर्मा रहे सुंदर लग रही है तभी तो देखा भी नहीं था तो कैसे सुंदर लग रही है। वीडियो कॉल कर लिए थे पापा हर वीडियो में नंगे पुंगे आते हैं आशीर्वाद अरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो अरे मोटी मम्मी आ गई कुछ दिखी नहीं सोने का जूतियां बनाएगी। पापा क्या बोल रहे थे मम्मी के बारे में बताओ मम्मी पूछ मम्मी पापा को पूछ पापा क्या बोले वो बता वही बोले हाँ। कि समय का पहिया चलता कभी, जाएगा कभी एक जैसा नहीं रहता हाँ। पहले मम्मी आती थी तो इतना भूखी प्यासी आती थी वहां से तो घर पे खाना बनाती थी सबको देखभाल करती थी ये वो अब देखो अब बहू साथ में गई है और बेटी खाना बना रही है ऐसे ही बोल रहे थे। अच्छा तो अभी मम्मी भी जवान थी तो अभी मम्मी का भी उम्र हो रहा है तब का तो मम्मी जिंदगी भर खाना बनाएगी तू किस लायक है हाँ तारीफ की है मम्मी की ना तो वही तो तू जाके क्या करेगी घर पे अपने खाना उना नहीं बनाना सीखेगी नहीं रहती तो आके मेरी मम्मी बेचारी बनाती खाना बनाती खिलाती माजती पोछती बिछाती तब सुलाती खुद कल खाती ना मम्मी खुद कल सुबह खाती ये लेडी इस अवतार में बैठी है हमेशा इस अवतार में रहती नहीं है बहु टाइप में बैठी है आज एकदम गोपी बहु गोपी बहु बनी है जी माँ जी हाँ जी माँ जी हाँ पर मैं तो मुंह पे मास्क लगाई थी तो कह रहे कि वह बहु है बहु है नजरिया दिए क्या सब लोग बहू को सड़ियन बड़ी निक लागत है हां सड़ियन तो निक लगबे कर रही दरसो रसवान सब है जिनसों कम निक लागत थी ये लड़की के पास कपड़े नहीं है ये लड़की एक ही कपड़े में रहती है हमेशा गरीब हूँ मैं गरीब हूँ मेरे मम्मी पापा ने तो गरीब पैदा ओ था पहले हमें बहुत था दिखती भी गरीब है मैं गरीब हूँ ये भी फेमस हुआ लड़के के जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे गरीब पैदा किया गरीब है ना मनीषा तू बोल इधर देख के बोल बोल वो डायलॉग बोलो वापस मैं बहुत गरीब हूँ मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बहुत गरीब पैदा किया देखो जान प्राण भी नहीं है मेरा सारा खाना मेरे दोनों भाई लोग खा जाते छीन के गाल पे देखो उधर एक खाना निकला बगल में अचार अचार खाती है अचार निकला है चूड़ी देखो कितना एकदम मस्त लग रहा है जानदार दिखा मम्मी चूड़ी
अरे वाह मम्मी, टैटू क्या बनाई है हाथ पे? वो टैटू उधर गोदना गोदाई है ना, क्या गोदना है? टैटू किस चीज का टैटू है वो? सीता का रथ। सीता मैया का रथ है? हाँ। दिखा ये रथ, दिखा कैसा दिखता है, कहाँ गया ये रथ है? हाँ। किस तरह से रथ लिखेगा? ये शादी का रसम है। शादी का रसम? हाँ, कि शादी हो जाती है तो इसको निकालो, नहीं तो हाथ का पानी कोई नहीं पीता है। हाँ। अरे बाप रे बाप, टैटू बनवाना पड़ता है शादी के बाद? बनवाना पड़ता है। चलो बढ़िया है, दे पापा को ले। क्यों नहीं बनवाई? तो तुमने क्यों नहीं बताया? चलो अपन कल जाके टैटू बनवाएंगे। शादी के बाद सब लेडीज लोग को टैटू बनवाना पड़ता है। अरे तो ऐसा ना कि बनवाई ना, ऐसा हम आऊ तो जल्दी थोड़ी ना बनवा रहे, 3-4 साल में बनवाए। हाँ तो हम लोग को भी टैटू बनाने का ना, अभी 2 साल हो गए हम लोग भी, मैं भी उसका नाम लिखाएगा, वो भी मेरा नाम लिखाएगी, दोनों टैटू बनवाएंगे। चलो रसम, मम्मी रसम वाला टैटू बनवाइए तो हम लोग भी टैटू बनवाएंगे। अभी मैं इसका नाम लिखाएगा इधर और वो भी मेरा नाम लिखेगी। किधर? बिंदी, बिंदी टैटू, बिंदी इधर टैटू है। बाप रे बाप, उधर भी बनाई है ये तो। मेहंदी दिखा रहे, मेहंदी कब लगाई? मस्त तो लगा रहे हो। वाह, कौन लगाया मेहंदी? बहू मेहंदी लगाई। अरे वाह भाई वाह। मम्मी तो ये जुतिया का जो उपवास है, पूजा है, कब से तय कर रही थी? बचपन से ना? बचपन, शादी के 5 साल, शादी 5 साल भाई के बाद। शादी के 5 साल के बाद से ही कर रही है? बताओ, ये मैं पैदा ही नहीं हुआ था, मैं पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से ही रख रही है उपवास। तो ये उपवास है जो नीरा जल रखते ना मम्मी, बिना पानी के 24 घंटा थूक नहीं घोटने का। 24 घंटे तक थूक वूक नहीं घोटने का, बिना पानी के उपवास रखते हैं ना। कल 9 बजे का हम सब 10 बजे का दाना पानी किए है, अभी पूरी रात ऐसे ही पूरा दिन, फिर आज पूरी रात, फिर कल सुबह 9-10 बजे खाएंगे। कल सुबह 9-10 बजे खाएंगे। तो ये उपवास कथा पिता रख जाता है, क्यों रखते है? बच्चे लोग के लिए। अच्छा, बच्चे लोग के सुख समृद्धि प्राप्त हो, बच्चे लोग अच्छा करे, बच्चे लोग अच्छा से रहे, सुख शांति से रहे, समृद्धि प्राप्त करे, तरक्की करे, इसीलिए अच्छे से रहे। अच्छा, तो आप लोग के बता दूं कि ये जो जूतिया पूजा है, जूतिया पूजा को जीतिया भी कहा जाता है और जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। तो आप लोग में से बताना कि कौन कौन ये पूजा अपने घर पे करता है या उनकी मम्मी करती है, और आप लोग भी देखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो जो देख रहे हैं भैया, सब लोग के आशीर्वाद हम देते हैं, सदा सुखी रहे, तरक्की करें। और ये व्रत जो होता है अभी फिलहाल तो मम्मी कर रही है। अब जब मम्मी को लगेगा कि मम्मी की क्षमता नहीं है, वो नहीं कर सकती है व्रत, नहीं उपवास रख सकती है पूरा दिन। अच्छा। तभी मम्मी मुझे ये व्रत दे देंगी। अच्छा, मतलब ऐसा कि फिर अब फिर तभी से मैं रखूंगी। अच्छा, मतलब वो उनका मतलब तेरे को दादी ने दिया होगा? अच्छा, मेरी दादी ने मम्मी को दिया तो दादी नहीं रखती थी, फिर तू रखती थी? दादी रखती थी तो दादी से नहीं रह पा गई, बीमार थी तो हमको दे दी। अच्छा, तो हमको दे दी तो हम अपन रहे ऐसे ही। अच्छा, रहत रहे बारे जब तू पैदा हुए तभी मैं सोना चांदी बाजा गाजा से धूमधाम से मंदिर में पूजा करने पहला पूजा। अच्छा, अब अगर मम्मी ऐसा कुछ है तो मम्मी अगर नहीं रह सकती तो तू इसको दे देगी। हाँ। फिर ये ऐसा कुछ होगा, ये नहीं रह सकती तो ये अपने बहू को देगी। अच्छा, बहू का बहुत ज्यादा दूर नहीं गया, हमारे वंश का पूरा चलते रहेगा ऐसे जिंदगी भर। पूर्वज का दिया हुआ चल रहा है पूजा, कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये पूजा आपको बता दे, पूजा होता है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम, वेस्ट बंगाल में पूजा की जाती है। तो अभी बंगाल में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो तीन में और दूसरी जगह नहीं होती। तो जो दूसरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको खाली बता दे रहा हूँ एक बात बस, नॉर्थ साइड में ज्यादा, नॉर्थ साइड में होता है, यूपी बिहार और झारखंड में भी होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग में से कितने लोग ये पूजा करते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।